नई पेंशन स्कीम को हटा के पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। आप खड़े हो जाओ खड़े। तो 24 के अंदर जो चुनाव आ रहा है उसको वोट की चोट देंगे हम इनको। पुरानी पेंशन लागू की जाए जी, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे और लंबा धरना भी दिया जाएगा। अभी तो एक दिन का ही है और राज्य स्तरीय धरना है हमारा। ये हम बीजेपी के विरोधी नहीं है, हम तो जो कर्मचारी विरोधी नीति बनाएगा हम उस पार्टी के विरोध में हैं। जो भारत सरकार की नीति है वो बहुत गंदी नीति है। पीएफ आरडीए ने जवाब दिया है कि आपका पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी मुख्य मांग है ओपीएस। शेयर बाजार का जो पैसा है वो राष्ट्रहित में लगेगा या उस कंपनी के बेनिफिट में लग रहा है जिसमें लगाया जा रहा है। सभी कर्मचारी जो एनपीएस में आते हैं सभी हमारे साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान के कोई राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, सब परेशान है आज। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। चारों तरफ देखेंगे कि कैसे ये लोग पुरानी पेंशन की स्कीम को लेके मांग कर रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे हुजूम लगा हुआ है और ये लोग भारत भर से लोग आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कब तक ये लोग जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है सर, कब तक बैठे रहेंगे? देखो, ये एक दिन का धरना है अभी तो हमारा जी, और अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे और लंबा धरना भी दिया जाएगा। अभी तो एक दिन का ही है और राज्य स्तरीय धरना है हमारा। ये इसमें केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की पेंशन देना क्यों नहीं चाहती, नई स्कीम आप लोग मान लीजिए? देखो, एनपीएस हम इसलिए नहीं मानने के क्योंकि एनपीएस में जो अमाउंट हमें मिलेगा वो बहुत नेजरेबल अमाउंट है, वो बहुत कम अमाउंट है। वो जिसकी सैलरी अभी 50,000 रुपये है उसको 1100 से 1200 रुपये पेंशन मिलेगा, तो उसे हम कैसे मान लें? अगर हम उसे मानेंगे तो हमसे पहले नेताओं को माननी चाहिए जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। वो ओपीएस में क्यों हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है, वो कह रहे हैं कि एनपीएस अच्छी नीति है, इन्हें मान लेनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि आप लोग भी पहले एनपीएस में आओ उसके बाद हमें लाओ। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका पैसा राष्ट्रहित में लगे? देखो, अगर पैसा राष्ट्रहित में लगेगा तो किसी भी कर्मचारी को, मुझे भी, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी हमने ना एक लेटर डाल के जांच किया था क्या हमें गारंटीड पेंशन मिलेगी, तो पीएफ आरडीए ने जवाब दिया है कि आपका पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे ये बताइए, शेयर बाजार का जो पैसा है वो राष्ट्रहित में लगेगा या उस कंपनी के बेनिफिट में लग रहा है जिसमें लगाया जा रहा है? तो ये राष्ट्रहित की तो बात नहीं हुई। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए। तो सरकार से आप लोग इतना नाराज क्यों? अगली बार बीजेपी आएगी तो आप लोग की पेंशन मिलेगी? देखो, हम किसी भी सरकार से नाराज नहीं है, हम किसी भी विशेष रूप से किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। हम उस सरकार से नाराज हैं जो सरकार कर्मचारियों की नीति पे हथौड़ा चला रही है, जो कर्मचारियों के वेलफेयर की बात है उसको नहीं मान रही है। रहा बीजेपी का, हम बीजेपी के विरोधी नहीं है, हम तो जो कर्मचारी विरोधी नीति बनाएगा हम उस पार्टी के विरोध में हैं। तो वही पार्टी दावा कर रही है अब की बार बीजेपी सरकार, और तमाम दावे कर रही है, तो आप लोग मान लीजिए पिछली बार मंदिर बना था, अगली बार पेंशन दे देगी? देखो, ऐसा है, हम ये बात कैसे मान लें कि पिछले 9 साल से बीजेपी है कि वो कर देगी इस बार? हम तो तब माने जब वो पब्लिकली बोले कि हम जो है ओपीएस जो है दोबारा चालू करेंगे। और उसका जो है, इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि उसको लेटर को निकालने में, नियम बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं तो ये समझूंगा कि अगर वो जब भी ओपीएस लागू करना चाहें तो 15 से 20 दिन में लागू हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अभी करीब 5 राज्यों में ओपीएस लागू हुआ है, उन्होंने तो फट से कर दिया, उन्होंने तो देर नहीं लगाई। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकारी तंत्र में कोई आदेश को मतलब मानने में देर लगती है, वो जब चाहें जब हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी ये ओपीएस लागू कर देनी चाहिए। और आगे में हम यही कहेंगे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अगर वो अभी डिक्लेयर कर देंगे तो जाहिर रूप से जो नाराजगी है हम लोगों की वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर वो पेंशन आप लोग को दिया जाएगा तो वोट भाजपा को देंगे? देखो, ऐसा है, ये सत्य बात है, आज की डेट में जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी मुख्य मांग है ओपीएस। और जो सरकार बाहर निकल के ओपनली ये कहेगी कि हमारे मैनिफेस्टो में ओपीएस है, हम ओपीएस देंगे, या वर्तमान सरकार ये कहे कि हम तुरंत लागू कर देते हैं, तो हम उस सरकार के साथ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और भी लोग हैं, पूरे भारत से लोग आए हैं। आप प्रदर्शन में किस लिए आए हैं?
पुरानी पेंशन के लिए। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारी मांगे जो है पुरानी पेंशन लागू की जाए। जी, कितने कर्मचारी हैं आप लोग के साथ? आपके सहयोगी कितने हैं? आप पूरे देश के हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, सभी कर्मचारी जो एनपीएस में आते हैं सभी हमारे साथ हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। तो क्या मांग है आप लोग की सरकार से? हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को, नई पेंशन स्कीम को हटा के पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। आप खड़े हो जाओ, खड़े। जी, जी, हाँ, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करो। जो भारत सरकार की नीति है वो बहुत गंदी नीति है। जो 40 साल 45 साल नौकरी करके जाता है वो सिर्फ इस कारण लगता है सरकारी जॉब के अंदर, अगर जो हमारे को पेंशन मिलेगी बुढ़ापे का हमारा सहारा होगा, पर सरकार पेंशन नहीं दे रही। 2004 से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आगे भी इतनी सरकार लड़ाई नहीं लड़ेगी ना नई पेंशन देगी हमारे को, इतनी लड़ाई जारी रहेगी। और 2024 के अंदर जो चुनाव आ रहा है उसको वोट की चोट देंगे हम इनको। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? तो कहते हैं कि हम पूरे देशवासियों के लिए इतना अच्छा काम कर दिए, अच्छे दिन, अमृत काल। अगर जो ये देशवासियों के लिए अच्छा काम करते तो ये देशवासी 9 साल से धरना प्रदर्शन नहीं करें। किसान, जो किसान आंदोलन हुआ 13 महीने का आंदोलन हुआ था, वो किसानों ने वैसे आंदोलन नहीं किया था। अभी ये लड़की जो पहलवान बैठी थी उन्होंने भी आंदोलन किया है इनके साथ। ये देश के नागरिक हैं ये, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको ये सोचना चाहिए अगर भाई ये काम बिल्कुल गलत हो रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं पूरे हिंदुस्तान के, कोई राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, सब परेशान हैं आज। तो आप लोग देख सकते हैं, जब आपके बच्चे आपका साथ नहीं देते तब आपकी पेंशन आपका साथ देती है, क्योंकि आप जिंदगी भर नौकरी करते हैं तो उम्मीद होती है, भरोसा होता है कि छोटी छोटी रकम जो जमा हो रही है वो बुढ़ापे में मिलेगी तो जीवन यापन हो सकेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर